मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर जेम्स दिखता है। जेम्स के अपार्टमेंट पर एक गुंडे जैसा उसका ही होम ओनर आता है। जेम्स ने बहुत सारे महीनों से पैसे नहीं दिए होते तो इससे वो पैसे मांगता है। जेम्स कहता है आज दिन खत्म होने से पहले पूरे पैसे मैं तुम्हारे चुकते कर दूंगा। इसके बाद जेम्स हमसे बात करने लग जाता है। ये हमसे कहता है कि मैं आगे का कुछ ना कुछ तो देख सकता हूँ। इसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता पर इसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट तक क्या होने वाला है ये उसे समझ में आने लग जाता है। थोड़ी सी विजन इसे आती है। ये हमसे कहता है कि एक क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है। अलग अलग टाइम की फ्रिक्वेंसी में एक रिपल इफेक्ट आता है, इसी वजह से ये कुछ भी देख सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि मेरे जो एंटीना है ये बहुत ही स्ट्रांग है। जेम्स फिर हमें एक बार में आता हुआ दिखता है। वहां से वो बॉटल लेता है और स्ट्रीट में आता है। स्ट्रीट में आने के बाद उसे फिर से एक विजन आती है। इस विजन में उसे दिखता है कि उसे बहुत सारे पैसे अब मिलने वाले हैं। एक वॉलेट से पैसे निकाल रहा होता है। अब जेम्स देखने लग जाता है स्ट्रीट पर कहा उसके साथ ही हो सकता है ये वो देख रहा होता है। आगे चलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक लड़की को एक आदमी तंग कर रहा होता है। इस लड़की को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है तो जेम्स यहाँ आ जाता है। ये आदमी और जेम्स की फाइट हो जाती है। तभी और एक लड़का यहाँ आ जाता है। इस लड़के ने जैकेट पहना हुआ होता है। जेम्स फिर इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैकेट वाला लड़का तो नीचे ही गिर जाता है और जो बड़ा वाला होता है जेम्स को बहुत ही जोर से पंच करता है। जेम्स जमीन पर पड़ जाता है तो जेम्स की दारू की बॉटल लेकर वो बड़ा सा आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स को मालूम होता है कि जो आदमी था इसका वॉलेट नीचे गिर गया है। यही पैसे इसे मिले थे ये उसकी विजन थी। जिस लड़की को आदमी छेड़ रहा था इसका नाम एंजेला था। ये हमारी नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है। जेम्स के नाक से खून आ रहा होता है तो एंजेला उसे टिश्यू पेपर देती है। उसे पूछती है क्यों तुमने मुझे हेल्प की। जेम्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कहीं मैंने तुम्हें देखा है। एंजेला इस पर बिलीव नहीं करती। ये कहती है कि लाइन ये थोड़ी भी ओरिजिनल नहीं है। जेम्स बोलता है कि मैं सचमुच में सीरियसली कह रहा हूँ। जेम्स को विजन आई हुई होती है जिसमें वो एंजेला के साथ है। उसके साथ वो हंस रहा है, उसके साथ वो घूम फिर रहा है। ये सब उसे इस विजन में दिखी हुई होती है। जेम्स जब एंजेला से बात कर रहा होता है तब और उसका एक फ्रेंड आ जाता है। इसका नाम होता है सैल। सैल अभी अभी अपने फ्रेंड टेरी के साथ जेल से बाहर आया हुआ होता है। अब वो जेम्स से मिलता है। जेम्स भी इसे देखकर बहुत ही खुश होता है। ये जेम्स से पूछता है कि क्या तुम अब काम नहीं कर रहे हो। जेम्स जो होता है इलीगल कामों के लिए उसे बुलाया जाता है। अब सैल जेम्स से कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलवाया है। ये जो बॉस है इसका नाम होता है रे। तो रे के पास अब इन दोनों को जाना होता है। एंजेला ने जेम्स को कहा होता है कि वो अब ड्राइव करने वाली है। तो जेम्स जाते वक्त एंजेला को कहकर जाता है अगर तुम ड्राइव से कुछ फुर्सत लो तो मैं यही आसपास रहता हूँ, हम दोनों हैंग आउट कर सकते हैं। एंजेला भी इस पर वो सोचे कि ऐसा कहती है और इसके बाद जेम्स चला जाता है। हमें दिखता है कि जेम्स उसके बॉस के आ गया है। जेम्स का बॉस रे ये कारपेट सेल वगैरह करने की उसकी फैक्ट्रीज होती है। इसके बैकहेंड में वो कोकेन वगैरह सेल करता है। जेम्स को रे अपने ऑफिस में इन्वाइट वगैरह करता है और यहाँ जेम्स रे सैल और उसका फ्रेंड टेरी ये सब लोग होते हैं। रे फिर जेम्स को उसका काम बताता है। वो कहता है कि मेरे पास डायमंड्स है, निकाल कर उसे दिखाता है। इसे बोलता है कि जो डायमंड्स है इन्होंने अफ्रीका से मंगवाए हैं, ये मुझे सेल करने हैं और मुझे इससे कमीशन मिलने वाली है। रे जेम्स को कहता है कि अगर तुमने 100% सक्सेसफुली डील कर दी तो मैं तुम्हें $100,000 दूंगा। रे को बताता है कि जेम्स को विजन आती है। रे उसे पूछता है कि तुम्हारी विजन इसके बारे में तुम्हें क्या कह रही है। जेम्स को जो विजन आती है ये अच्छी नहीं होती। फिर भी जेम्स कहता है कि मुझे अब दिख रहा है कि ये हैंड आउट हो चुका है, यानी कि डील सक्सेसफुल हो चुकी है। रे इस पर खुश हो जाता है। अब जेम्स ये डायमंड्स लेकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जेम्स अपने घर पर होता है। वहां पर एंजेला आती है। एंजेला उसे कहती है कि वो आदमी तुम्हारी बॉटल लेकर गया था, उसके लिए इसने बियर लाई हुई होती है। इससे पूछती है कि क्या हम हैंग आउट कर सकते हैं। जेम्स भी इसके लिए मान जाता है। एंजेला को इसका शावर यूज करना होता है। ये बहुत दिनों से रोड पर होती है और इसे नहाना होता है। एंजेला जेम्स का घर देखती है। जेम्स के घर पर एक बोर्ड होता है जिस पर बहुत सारी चीजें लिखी होती है। जेम्स को हमेशा जो विजन आती है इसके बारे में वो लिखता रहता है। एंजेला जेम्स के पेरेंट्स की भी एक फोटो देखती है। जेम्स कहता है कि मेरे फॉस्टर पेरेंट्स है। इस फोटो में इलियट होता है जिसने जेम्स को गोद लिया था। इसके बाद एंजेला और जेम्स टेरेस पर हैंग आउट कर रहे हैं, ये हमें दिखता है। जेम्स एंजेला के पेरेंट्स के बारे में पूछता है। एंजेला कहती है मुझे कोई भी पेरेंट्स वगैरह नहीं है। एंजेला फिर बोलती है कि जो लाइफ है ये मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर है, मैं जिस तरह से चाहती हूँ उस तरह से मैं इसे जी सकती हूँ। जेम्स कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये तुम्हें मिल जाए, ये उसे अच्छी विशेष करता है। इसके बाद ये दोनों घर में आ जाते हैं। घर के बाहर हमें दिखता है कि सैल और टेरी दोनों हैं। इन दोनों का प्लान अब हुआ है कि उनका जो बॉस हेयर है इसे वो डबल क्रॉस करने वाले हैं। डायमंड्स जेम्स से ले लेंगे और वहां से फरार हो जाएंगे। सैल अपने फ्रेंड टेरी को कह रहा होता है कि अंदर जाओ और वो लेकर आओ, पर किसी को तुम्हें इंजोर नहीं करना है। टेरी अभी अभी जेल से छुटा है। वो कह रहा होता है कि लाइफ में एक बार मेरे साथ कुछ ना कुछ तो सही हो जाए।
डायमंड अगर उसे मिल गए तो ये अच्छी लाइफ जी सकता है। इसके पीछे इसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। जेम्स जब घर पर आता है तो उसे और एक विजन आती है। इस विजन में वो मर चुका है और कहां वो मर रहा है ये सब उसे दिख जाता है। इसके बाद दरवाजा कोई खोल रहा है जेम्स को दिखता है। जेम्स डर जाता है, एंजेला के पास जाता है। एंजेला बाथरूम में होती है तो कपड़े पहनती है और इसके बाद ये दोनों खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ये भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ जाते हैं। सैल और टेरी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं कर पाते। गाड़ी में जेम्स उसके पास जो डायमंड होते हैं इसे वो चेक करता है। एंजेला उसे पूछती है कि डायमंड्स क्या है। जेम्स को इसके बाद और एक विजन आ जाती है। वो अब कहा जाने वाला है कि सुर मोटेल पर रुकने वाला है और उसे एक स्ट्रीट साइन दिखता है। एंजेला उसे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम जोन आउट हो चुके थे। जेम्स को उसने पहले भी होता हुआ दिखा है। जेम्स कहता है मैंने तुम्हें बताया तुम बिलीव नहीं करोगी। जेम्स को विजन में इनके पास अब पुलिस आने वाला है ये उसे दिखता है। जेम्स एंजेला को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जेम्स कहता है कि जो पुलिस है अब हमारी कार के बारे में इंक्वायरी करेगा। पुलिस फिर आता है और जो उसने कहा था यही होता है। एंजेला फिर जेम्स से पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, तुम मुझे क्या कुछ बता नहीं रहे हो, हमारे साथ जो भी सब हो रहा है तो एटलीस्ट तुम मुझे सच बता सकते हो। जेम्स फिर उसे कहता है मुझे विजन आती है, सब सच्चाई उसे बताता है। जेम्स उसे कहता है कि हमें आसपास किसी मॉडल पे जाना चाहिए, इसके विजन में यही उसे दिखा था। ये दोनों मॉडल में जाते हैं और वहाँ एक लॉकर होता है, इसमें जेम्स अपने डायमंड छिपा देता है। इसके बाद ये डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एंजेला फिर जेम्स से पूछती है कब तुम्हें विजन आना स्टार्ट हो गया था। जेम्स कहता है मैं जब 7 साल का था, मेरी मदर मरने वाली थी तो मुझे 2 महीने पहले से पता था। एंजेला पूछती है कि क्या तुमने अपनी मदर को सेव करने का ट्राई किया था। जेम्स कहता है कि तभी मुझे मालूम नहीं था इन सब विजन्स का मीनिंग क्या है, ये मुझे उसके बाद पता चला था। जेम्स कहता है कि मैंने इससे बहुत चेंज करने की कोशिश की है, मेरे साथ जो होने वाला है ये जो विजन्स होती है ये हमेशा से सही होती है। अब मुझे पता चल चुका है हमारे लाइफ में हमारे साथ जो होता है ये सब फिक्स्ड है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। एंजेला एक अलग बिलीव पे चलती है, उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ को खुद चूज करती है। ये फिर कहती है कि मेरे साथ जो सब हुआ था इसका बचपन भी बहुत ही घटिया था, क्या ये सब फेटेड था। जेम्स उसे समझाने के लिए कहता है कि हमारे पास ये जो मूवमेंट है यही सिर्फ है, इसे हम सीज कर सकते हैं, इस मूवमेंट में हम जीत सकते हैं। टाइम ट्रैवल की स्टोरी में एक लिपटा हुआ सच हमें इस मूवी में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला और जेम्स अपने मॉडल पर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तब उनके हीरे गायब होते हैं। अब जेम्स अपने बॉस के पास नहीं जा सकता, उसे बता नहीं सकता कि उसकी आदमी ने उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी। जेम्स को फिर आइडिया आता है कि उसे अपने फॉस्टर पेरेंट के पास जाना है। एंजेला को कहता है कि इलियट ने मुझे बचपन से बहुत ही हेल्प किया है, इलियट को सब कुछ पता होता है कि जेम्स के साथ क्या होता है। जेम्स इलियट के पास आता है तो सरप्राइज होता है। जेम्स का फेस देखकर इलियट को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे पूछता है कि क्यों तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जेम्स कहता है कि मैंने मेरी डेथ देखी है। इलियट को मालूम है कि जेम्स को लगता है कि वो अपनी फेट चेंज नहीं कर सकता, पर इलियट उसे कहता है कि हर वक्त तुम तुम्हारी फेट चेंज कर सकते हो, तुम्हें विजन में दिखता है कि तुम्हारे साथ ही होने वाला है तो इसके बाद तो तुम बहुत ही डम डिसीजंस लेते हो, अच्छे से अगर तुम डिसीजंस लोगे तुम ये चेंज कर पाओगे। पर इलियट का बिलीव फॉर्म होता है कि वो चेंज नहीं कर पाएगा। इलियट फिर उससे पूछता है कि कहाँ तुम मरने वाले हो, क्या ये होने वाला है। जेम्स इस घर को देखता है तो उसे पता चलता है कि यही घर है जहाँ वो मरने वाला है। इलियट जेम्स को कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर निकल गए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेम्स ये मानने के लिए रेडी नहीं होता। जेम्स बाहर जाकर स्मोक करने लग जाता है। एंजेला एक घर देखने लग जाती है। जेम्स बचपन से पेंटिंग्स बनाता था, इन पेंटिंग में उसे एंजेला भी दिखती है। इस पेंटिंग्स में एंजेला को उसकी ड्राइंग दिखती है। एंजेला फिर बाहर आती है, उसे पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका पार्ट हूँ। जेम्स कहता है कि तब मैं छोटा था, तब मुझे कैसे पता हो सकता है। एंजेला जेम्स को कहती है कि पहली बार जब हम स्ट्रीट में मिले तभी मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिटेड है। तुमने बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कहीं देखा है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। एंजेला उसे कहती है कि हमें ट्राई करना चाहिए इस फेट को चेंज करने के लिए। एंजेला फिर जेम्स को किस करती है और उसे कहती है कि चलो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं। ये दोनों जब जा रहे होते तभी हमें दिखता है कि रे, सैल और टेरी ये सब यहाँ आ चुके हैं। अब जेम्स का बॉस रे इस पर बहुत ही चिढ़ गया होता है। रे जेम्स को कहता है कि क्या तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे, ये डायमंड तुम्हारे नहीं है, ये तो मेरे भी नहीं है, मैं सिर्फ इसकी डील कर रहा था, अगर मेरे पास ये डायमंड नहीं होंगे तो लोग मुझे भी मार देंगे। जेम्स कहता है कि मेरे पास डायमंड थे पर किसी ने वो चोरी कर लिए है। रे जेम्स को बहुत ही मारने लग जाता है। एंजेला कह रही होती कि इसे कुछ भी मालूम नहीं है, ये सब कुछ सच कह रहा है। रे फिर एंजेला को पकड़ लेता है। रे अपने आदमियों से कहता है कि जेम्स और एलियट को नीचे जाकर बंद कर कराओ। नीचे फिर स्टोर रूम में जेम्स और एलियट को बंद कर दिया जाता है। रे फिर एंजेला से बात करते हुए दिखता है।
वो कहता है कि तुम जब इसके लाइफ में आई तब से सब चेंज हो गया है। जेम्स ने कभी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि डायमंड कहाँ है। रे अपने आदमियों को पूरा हाउस छानने की ऑर्डर देता है। रे जब एंजेला से बात कर रहा होता है तो ये बाहर उसे कुछ सुनाई देता है। अपने आदमी टेरी को बाहर भेजता है। टेरी जब ये चेक कर रहा होता है तो टेरी की आवाज ही नहीं आती। रे जब एक खिड़की से देख रहा होता है तो खिड़की पर गोली चलती है। रे अब सावधान हो जाता है। रे को लगता है कि जिन आदमियों से इसने डायमंड ली थे उसे मारने के लिए आए हैं। रे जब इन सब में डिस्टर्ब होता है तो एंजेला एक नाइफ लेती है। इस नाइफ से वो रे को मारने वाली होती है तभी और एक गनशॉट हमें सुनाई देता है। एंजेला अब इस पर वार करती है पर रे अब पहचान लेता है। अपनी गन से एंजेला को मार देता है। जेम्स बेसमेंट में होता है और ये सब सुन रहा होता है। एंजेला की चीख उसे सुनाई देती है। ये यही रोने लग जाता है। यहाँ पर इलियट भी होता है। इलियट जेम्स को कहता है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें मालूम नहीं है। एक वो इंजेक्शन लेता है और जेम्स को लगा देता है। इंजेक्शन लगाते हुए इलियट उसे कहता है कि इन सब का अब सेंस बनने लग जाएगा। काश मैं तुम्हें ये सब समझा पाता तो मैं सब कुछ समझ ही जाएगा। ये इंजेक्शन जब जेम्स को लगता है तो टाइम ट्रेवल कर वो पास्ट में इलियट के ही अपार्टमेंट में आ जाता है। ये 1984 का पीरियड है। जेम्स को जब सिरप के बारे में इलियट को कहता है तो इलियट को बिलीव नहीं होता। इलियट फिर इस सब सिरप के बारे में उसे सब कुछ समझाता है। इलियट एक साइंटिस्ट था। ये एक सिरप पे काम कर रहा था। ये जो सिरप था ये चूहे पर इन्होंने टेस्ट किया था। ये जब इन्होंने टेस्ट किया तो ये चूहा टाइम ट्रेवल कर अलग टाइम में चला गया था। जब ये वापस आया तब उसे मालूम था कि उसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। जेम्स पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट था? क्या इसीलिए तुमने मुझे गोद लिया था? इलियट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे फ्यूचर से मिलने के लिए आए थे और तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हारे छोटे सेल्फ को ढूंढना है। इसलिए इलियट ने छोटे जेम्स को ढूंढना था और उसे उसने गोद ले लिया था। या फिर हमें दिखता है कि छोटा जेम्स वहां आ चुका है। इलियट उसे चुलाने के लिए नीचे लेकर जाता है। जेम्स फिर पूछता है कि मुझे लगता है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मैं मेरे सपने में इसे देखता हूँ। इलियट उसे कहता है कि इस प्रेजेंट में तुम जियो, यही तुम्हारी लाइफ है। ये कहकर उसे सुलाकर अब फ्यूचर के जेम्स के पास वो आ जाता है। अब जब जेम्स इलियट से बात कर रहा था तब उसे पता चल जाता है कि बचपन से उसे जो सब विजन्स आ रही थी ये उसकी मेमोरीज थी। इसने टाइम ट्रैवल किया था इसी वजह से एक साइड इफेक्ट उसे बचपन से सब कुछ याद आता रहता था। पर जेम्स फिर याद आता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। उसने देखा था कि वो मरने वाला है पर ऐसा नहीं हुआ। जेम्स के प्लेस पर एंजेला ही मर गई है। जेम्स फिर कहता है कि हम इसे बदल सकते हैं, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। इलियट भी मानता था कि वो चेंज नहीं कर सकता पर जेम्स को अब पूरी तरीके से एंजेला को बचाने के लिए ट्राई करना है। इलियट फिर उसे फिर से सिरप देता है और कहता है कि ज्यादा तुम इसे यूज मत करो और हमेशा प्रेजेंट में रहना वरना तुम्हें तकलीफ हो सकती है। जेम्स फिर अपने माइंड से डिसाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है और वहां पहुंच जाता है। ये अब अपने अपार्टमेंट पर आता है। सैल और उसका फ्रेंड ये दोनों अब उसे लूटने के लिए आने वाले है या अब होने वाला है। जेम्स उसके अपार्टमेंट में होता है और वही छिप जाता है। जब टेरी इसके अपार्टमेंट में घुसता है तो अब उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सैल के पास जाता है और सैल की से फाइट लेता है। ये सैल को भगाता है और एक जगह पर ही छिप जाता है। सैल और टेरी ये दोनों इसके पीछे लग जाते हैं। एक जगह पर आकर जेम्स अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है और फिर से टाइम ट्रेवल कर लेता है। हमने मूवी में फर्स्टली देखा था कि एंजेला और जेम्स पहली बार जब अपार्टमेंट से भाग रहे थे तो एक्चुअल में भाग गए थे। इनका किसी ने पीछा नहीं किया था। अब हमें पता चला है कि वहां दूसरा फ्यूचर वाला जेम्स था। इसने उन्हें वहां से भागने में मदद की थी। अब हमें दिखता है कि जेम्स जो है ये टाइम ट्रैवल कर मॉडल की आ चुका है। जब वो पिछली जगह से भाग रहा था तो मॉडल की जो खींच थी ये उसकी गुम हो चुकी थी। ये सैल को और टेरी को मिल चुकी थी। जब जेम्स अपने होटल तक पहुंचता है तो वहां उसे सैल और टेरी भी मिल जाते हैं। इसकी खींच इनके पास होती है। सैल अब जेम्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर तुम हमारे प्लान में शामिल हो जाओगे तुम्हें कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें डायरेक्टली मैं पैसे नहीं दे सकता पर तुम्हें हीरो का कुछ पार्ट दे सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें डील ले लेनी चाहिए। जेम्स कहता है बॉस से मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जेम्स किसी भी हालत में अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा, इस तरह का आदमी होता है। जेम्स ने जो हीरे रखे हुए थे ये हीरे अब इसे ही छीन लेते हैं। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो जेम्स इन पर झपक पड़ता है। जल्दी से इनसे हीरे लेता है और कार में बैठकर आगे चला जाता है। इन दोनों को लगता है कि बॉस के पास जाना है पर अभी पता चलता है कि जेम्स अलग डायरेक्शन में गया है। फिगर आउट करते हैं कि इसके अंकल के पास से गया होगा। मूवी के फर्स्ट में जब यह सब हो रहा था तब हमने देखा था कि जेम्स और एंजेला जब अपने होटल पर आए थे तब उन्हें देखा था कि वहां डायमंड्स नहीं है। ये जो डायमंड्स है ये फ्यूचर वाले जेम्स लेकर गया है। जाकर इलियट के पास आता है। इलियट को सब कुछ समझाता है। जो डायमंड इसके पास है ये वो इलियट को दे देता है। ये कहता है कि अब मेरा बॉस वगैरह सब कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं।
जब वो यहाँ आएंगे तो डायमंड उसे दे देना, इसे एंजेला की जान बच सकती है। इलियट है डायमंड छुपा देता है। अब हमें दिखता है कि प्रेजेंट के जेम्स और एंजेला आ जाते हैं। जिस तरह से जो चीजें हो रही थी वो वैसे ही होती है। जब जेम्स का बॉस रे वगैरह सब लोग आते हैं तो वो आते हुए ही एलियट को मारते हैं। एलियट उन्हें डायमंड देता, इसके पहले ही वो अनकॉन्शियस हो गया था। जेम्स को एंजेला को किसी भी हालत में बचाना है। फ्यूचर वाला जेम्स अब बाहर आ जाता है। हमने देखा था कि रे को खिड़की से बाहर से आवाज आई थी, ये आवाज जेम्स भी छुपकर सुनता है। जैसा हमने पहले देखा था ये गनशॉट सुनाई देता है, पर ये जो गनशॉट था ये जेम्स ने नहीं चलाया। जेम्स को एंजेला को बचाना है तो खिड़की पर वो गोली चलाते हैं। गोली चलाने के पहले ही इसे ही गोली लग जाती है, इसका निशाना चूक जाता है। अभी इंजोर हो चुका है, यही गिर जाता है और फिर से ये सिरप इसे खुद पर इंजेक्ट कर लेता है। अब जो सेकंड फ्यूचर वाला जेम्स था ये फिर से पास में आ जाता है। पास में आ जाने के बाद दिन की शुरुआत थी, तब ये पहुंच चुका है। इसे अब लगता है कि अगर वो एंजेला से नहीं मिला तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मूवी के फर्स्ट में जब एंजेला को जेम्स बचा रहा था तब हमने देखा था कि वहां जैकेट वाला एक लड़का था, ये फ्यूचर का ही जेम्स था। वो एंजेला से मिलना पाए इसकी कोशिश कर रहा था, ये कुछ भी इसका सक्सेस नहीं हो पाया। फिर से हमें रात में ये थर्ड वाला फ्यूचर वाला जेम्स इलियट के घर पर आया हुआ है ये दिखता है। इलियट से बात करता है, मैं कुछ भी बदल नहीं सकता। इलियट को समझ में नहीं आता। जेम्स कहता है कि मैं अलग फ्यूचर से आया हूँ। इलियट उसे मोटिवेट करता है, कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम इसे बदल सकते हो और तुम्हें ट्राई करते रहना है। अब हमें फिर से देखता है कि रे को आवाज आती है कि बाहर कोई है, अपने आदमी टेरी को बाहर भेजता है। ये जो आवाज थी ये थर्ड वाले फ्यूचर में जेम्स ने की थी। टेरी जब जेम्स को देखता है तो इन दोनों की फाइट होती है। जो गोली चली थी इन दोनों की फाइट में से चली थी। जब सेकंड वाला फ्यूचर का जेम्स जब खिड़की पर गोली चलाने वाला था तब थर्ड फ्यूचर में के जेम्स और टेरी इन दोनों की फाइट चल रही थी और इन्होंने जो गोली चलाई थी ये जेम्स को लग गई थी। इसी वजह से सेकंड वाला जेम्स एंजेला को बचा नहीं पाया था। अब हमें दिखता है ये थर्ड टाइम फ्यूचर वाला जेम्स अंदर आ जाता है। एंजेला को उसका बॉस रे जब मारने वाला था तो ये गोली अपने आप पर ले लेता है। इसके बॉस को बहुत ही बुरा लगता है, ये कहता है कि तुम तो अंदर लॉक थे, उसे जेम्स को मारना नहीं होता। रे अपने आदमियों से पूछता है कि ये कैसे हो गया। उसके आदमी फिर रे को ही मार देते हैं। जो डायमंड्स होते हैं ये रे से वो छीन लेते हैं और वहां से भागकर चले जाते हैं। जेम्स मर रहा होता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी चॉइस थी, एक लाइफ के लिए उसने अपनी लाइफ दे दी है। जेम्स की मदर को भी मालूम था कि वो मर सकती है क्योंकि जेम्स हमेशा ड्रॉ करता रहता था। ये वो चेंज करना चाहती थी, अगर वो चेंज कर देती तो जेम्स मर जाता। जेम्स को बचाने के लिए अपने आप को उसने मरने दिया था, यही अब जेम्स के साथ हुआ है। एंजेला को एक अच्छी लाइफ मिल सके इसलिए जेम्स ने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया है। मरते मरते जेम्स फिर से अपने आप को एक सिरप से इंजेक्ट कर लेता है। ये कर वो डायरेक्टली इलियट जब यंग था, जब वो साइंटिस्ट था, तब उसके पास पहुंच जाता है। इसे वो मरते मरते कहता है कि मुझे तुम ढूंढ लेना, अपना नाम वगैरह उसे बता कर जाता है। इलियट इसी चीज की बात कर रहा था, पास में जेम्स उससे मिलकर गया था, इसी वजह से इलियट ने जेम्स को गोद लिया था। इसके बाद हम फिर से देखते सेकंड फ्यूचर में का जो जेम्स है वो झाड़ियों में था और जिसे गोली लग गई थी। इसके बाद अपने आप को इसने इंजेक्ट कर दिया था। यहाँ वो दो गनशॉट सुनता है, यानी कि फ्यूचर में का जेम्स मरा था और उसका बॉस सैल मरा था। एंजेला की चीखें वगैरह उसे सुना नहीं देती, एंजेला मर गई है ऐसा उसे नहीं लगता। अब इस बार अपने आप को इंजेक्ट नहीं करता, अगर इस बार वो अपने आप को इंजेक्ट कर लेता तो फिर से पास में चला जाता, पर इस बार वो यह नहीं करने वाला। वो अब उठ जाता है और एंजेला के पास आता है। जेम्स ने अपनी जो डेस्टिनी थी ये बदल दी है, उसने पूरा फ्यूचर ही बदल दिया है। अभी भी उसका बॉस मर चुका है और जो गुंडे थे रे और टेरी ये चले गए हैं, पर अब एंजेला और इसका फ्यूचर सेफ है, एक दूसरे के साथ अब रह सकते हैं। जेम्स जो करना चाहता था अपनी डेस्टिनी को चेंज, ये उसने कर दी है। एक अलग सी टाइमलाइन अब बन जाती है। अपने आप को इंजेक्ट करने से जिस लूप में वो था अब इससे वो बाहर आ चुका है। एंजेला और जेम्स अब अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे। ये मूवी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखा कर जाती है, हमें अपनी लाइफ के लिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें जो चाहिए इसके लिए हमेशा ट्राई करता रहना है। हमारी जो डेस्टिनी है ये कभी भी लिखी नहीं होती, किसी भी मोमेंट पर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने की पावर सिर्फ हमारे डिसीजंस पर ही होती है। हमें अपना दिमाग खुला रखकर सही से सब एनालाइज कर हमारे डिसीजंस लेने चाहिए, इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इसे एक सही से मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।